हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास लाइजॉल का एक कैन पड़ा हुआ है, तो इसी का यूज़ करके यहाँ पर मैं प्लांटर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर स्वान की शेप ड्रॉ कर ली है। अगर आप डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते तो पेपर पर ड्रॉ करके फिर उसे कट करके इसके ऊपर रखकर फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे कट करने के लिए इस नाइफ का यूज़ किया है। नाइफ को गर्म करके फिर मैंने इसे कट किया है। और इसे अच्छे तरीके से कट करके एक प्रॉपर शेप दे देंगे। और ये देखिए, अभी अच्छे तरीके से कट गया है। ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है और इसे पॉलीथीन से कवर कर दिया है। ऊपर और नीचे की साइड से मैंने इसे मास्किंग टेप लगाकर अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है वॉल पुट्टी पाउडर, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करके एक डो रेडी कर लेंगे। डो कैसे बनाते हैं उसका एक डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हल्के हाथों से बेलकर इस तरीके से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। हाथों में हल्का सा पानी लगाकर इसके किनारों को अच्छे तरीके से सील कर देंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड वाले एरिया को भी कवर कर दिया है। डो के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उनसे डो नहीं बन रहा है या फिर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं वो एक या दो बार में परफेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसमें सुधार आता जाता है। तो अगर आपको डो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो छोटी छोटी चीज़ें बनाकर प्रैक्टिस करते रहें। इसके साइड में और बैक साइड में थोड़ा डो अप्लाई करके इसे इसकी नेक को परफेक्ट शेप दे देंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी बीक रेडी कर ली है। और अभी मैंने इसकी आंखें बना ली हैं। डो अगर अच्छी तरीके से ना बना हो तभी उसमें क्रैक्स आते हैं, वरना इसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आते हैं। यह है जैसो, इसे मैंने बॉल पुट्टी से रेडी किया है। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर जैसो अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डो से कुछ छोटी छोटी सी बॉल बनाकर उन्हें फ्लैट कर दिया है, और इसी पेस्ट की हेल्प से मैंने चिपका रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डो से एक पतली डोरी जैसी बना ली है। वॉल पुट्टी डो से इस तरीके की डोरी बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर के डिटेल वर्क के लिए मार्केट में जो क्ले अवेलेबल है, मोल्डेड क्ले, इस तरीके के जो एयर ड्राई क्ले मार्केट में मिलते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये ब्रश के पीछे की साइड से इस तरीके से दबाते हुए इसमें टेक्स्चर दे दिया है। और ये भी अच्छी तरीके से सूख गया है, तो यहाँ पर मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ब्लैक कलर कर रही हूँ। अपनी पसंद का कोई भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं, बस हमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर इसके डिजाइन को उभारने के लिए मैं मेटेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। स्पॉन्ज से इस तरीके से डैप करते हुए इसमें कलर कर दिया है।
और अभी मैं इसका पंख बना रही हूँ। यहाँ पर पंख की शेप बना लेंगे और इसमें मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। और ये है 3D आउटलाइनर जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। तो इससे मैंने इसके पंख को आउटलाइन दे दी है और इसके अंदर भी इस तरीके से पंख की शेप दे देंगे। इसकी गर्दन में थोड़ा खालीपन लग रहा था तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा ब्लैक कलर करके और उसके ऊपर आउटलाइन से काम कर दिया है। और यहाँ पर स्पॉन्ज से डैप करते हुए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ब्रॉन्ज कलर अप्लाई कर दिया है। तो ये एंटीक लुक वाला स्वान प्लांटर रेडी हो गया है। तो आपको दोनों कलर कॉम्बिनेशन में से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।